जय मसीह की। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत बवाल हुआ है हाल ही में और बहुत दंगा फसाद हुआ है। छत्तीसगढ़ में चर्चों पर हमले किए गए हैं और उसको लेकर के मिल जाएंगे देखने के लिए कि कैसे चर्चों पर हमले किए गए हैं। और मैं आपके सामने स्क्रीन प्ले कर रहा हूँ। चर्च पे हमला हो रहा था, उस दौरान ये तो देखिए चर्च पे हमला कैसे हुआ। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में धर्मांतरण के मुद्दे पर लोग सड़कों पर उतर कर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आज बुलाए गए नारायणपुर बंद में भीड़ आक्रोशित हो गई। इस दौरान कुछ लोगों ने चर्च में तोड़फोड़ की कोशिश की। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसमें नारायणपुर के SP सदानंद कुमार घायल हो गए हैं। जिले के एक समुदाय के द्वारा आज यहाँ पे प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी। उसके बाद उस समुदाय के कुछ सदस्य उग्र होकर स्थानीय चर्च को नष्ट करने की दिशा में बढ़े थे, लेकिन तभी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की वहाँ पे उसके अधिकारी की उपस्थिति में उन लोगों को समझाया गया, लेकिन समझाने के बावजूद भीड़ उग्र हो गई थी। और फिर भी प्रशासन ने संयम से काम लिया और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिले के SP साहब को सर में चोट आई है। वहीं कलेक्टर अजीत वसंत का कहना है कि हालात काबू में हैं, जिन्होंने भी मारपीट की है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ पुलिस वालों को भी चोट आई है, प्रशासन की तरफ से पूरी संयम दिखाई गई है और अभी भी हम लोगों को समझा बुझा कर उनके घर वापस भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो कि जैसे आपने देखा कि यहाँ पर जो दिया है ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ी हिंसा हो गई थी और वहाँ पर चर्चों पर हमले किए गए, हजारों मसीही घर बेघर हो चुके हैं। तो इस मामले को देखते हुए मामला तूल पकड़ लिया है, हाई लेवल पर देखा जा रहा है और CM भूपेश बघेल ने इसको अच्छा से कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने जो छत्तीसगढ़ के 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 31 जिलों में इन्होंने रासुका NSA लागू कर दिया है और दंगाई लोगों को, जो नारंगी दंगाई है, उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है और निकाल करके NSA के तहत उनके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है। उनको जो सही जगह है जेल, वहाँ भेजी जा रही है। तो परमेश्वर ने काम किया है, परमेश्वर उस छत्तीसगढ़ में शांति माहौल करे और अपने लोगों को जो है कि सुरक्षा प्रदान करे परमेश्वर। और आप लोग भी प्रार्थना में याद रखिए मसीही भाई बहनों के जो छत्तीसगढ़ के हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त मित्रों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पर शेयर करें। मिलता हूँ एक और नए खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय मसीह की। नमस्कार। जय हिंद।